तो फाइनली आईबीएम ने इंटरव्यू के मेल आउट कर दिए हैं। देखो ये होने वाले इंटरव्यू का मेल सीआईसी ऑफ कैंपस तुम्हें पता होगा। तो आईबीएम ने ना इस बार काफ़ी सारे मेल लोगों को भेज दिया है, वो मेल मैं दिखाऊंगा। बट वो क्यों कैसे करना है, मतलब उसमें ऑफलाइन है कि ऑनलाइन मोड है, क्या होने वाला है, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, वो सब हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद ही देखो तुम कहीं पर भी जाना या उसको अटेंड करना, पहले वीडियो को लास्ट तक देख लो, क्योंकि इसमें एक हायरिंग नहीं, इसमें मैं तुम्हें UBS की काफ़ी बड़ी हायरिंग और डेटा वेल की तरफ से और माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से 1 लाख पर मंथ वाली जॉब बताने वाला हूँ। तो ये तीनों को अप्लाई करना ज़रूरी है, बाद में फिर तुम कुछ भी करते रहना। पहले तो ये देखो कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना है, अभी जाओ। कैपजेमिनी की अप्लाई मत करो, पहले वीडियो जाके देखो, कैपजेमिनी की देख लो, विप्रो का टेस्ट का मेल आ रहा है वो देख लो, अच्छे से समझ लो। और अभी जाके दो डायरेक्ट टेस्ट हायरिंग बताई है, शेड्स ऑफ वेब और क्लोवर इन्फोटेक, जाओ अभी अप्लाई करो, ठीक है। तो अगर तुम यहाँ पर देखोगे ना, ये काफ़ी बड़ी हायरिंग आ रही है भाई, जूनियर डेवलपर का रोल लेके आऊँ मैं तुम्हारे लिए डेटा वेल की तरफ से। तो हैदराबाद लोकेशन होने वाली है, मुंबई बेंगलोर तीन लोकेशन है, 23, 24, 22, 21 बैच एलिजिबल है। सबसे पहले नीचे आना है और यहाँ पे इस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें कि वन ओपनिंग, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। एक ओपनिंग लेनी होती ना तो ये इस तरीके से फॉर्म आउट नहीं करते। तो मेन चीज़ समझना है तुम्हें, ये तो तुम समझ ही लिए हो कि बेंगलोर, हैदराबाद और एक कौन सी है मुंबई लोकेशन, जिसके पूरे एड्रेस दे दिए तीनों के, फुल टाइम अपॉर्चुनिटी काफ़ी बड़ी हायरिंग होने वाली है। तो यहाँ पर मांगा क्या है, मेन चीज़ समझना, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं कि जो हम रेज्यूमे में ऐड नहीं करेंगे, काफी सारी चीजें जो हम रेज्यूमे में ऐड कर सकते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं रेज्यूमे में ऐड, ये चार चीजें तो तुम एज इट इज कर सकते हो। और तुम डेटा इंटीग्रेशन भी कर सकते हो, रिपोर्ट डेवलपमेंट भी कर सकते हो, करना चाहिए तुम्हें, इतना कुछ खास नहीं है। एक बार कर दो, रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट करवा लो, के बाद इंटरव्यू वगैरह होगा वो ईजी रहेगा, इतना कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि जूनियर डेवलपर का रोल है, ठीक है। तीन लोकेशन दी है, हैदराबाद लिखी है वो तो ठीक है, तीन लोकेशन दी गई है वो भी हाइब्रिड होने वाली है, रिमोट प्लस वर्क फ्रॉम ऑफिस। ये अल्टरनेटिव डेज में चलेगा कि भाई 2 हफ्ते का तुम्हें वर्क फ्रॉम होम दे देंगे, और मतलब हाइब्रिड है, समझ जाओ तुम। तो ये ना चीज़ें ईजी है, बस तुम्हें थोड़ा सा समझना है, यूट्यूब पे जाओ, सब कुछ समझ लो, सारी चीज़ें ऐड करो मेरे कहने पर, डेटा इंटीग्रेशन, डेटा वेयर हाउस, ERP सिस्टम, थोड़ा बहुत ऐड करो, बेसिक नॉलेज ले लो, बात खत्म हो गई। जूनियर डेवलपर का रोल है, ईजी काम है, बहुत ईजी काम है, और ये खुद भी तुम्हें बताएंगे भाई क्या काम करना है, लिटरली यार ईजी है, कुछ भी नहीं है इतना। तो मैं एक बार इसको देख लो, डेटा वेल की जूनियर डेवलपर की हायरिंग है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो तुम्हें अप्लाई नाउ पे क्लिक नहीं करना है, सबसे पहले तुम्हें रेज्यूमे अपडेट कर लेनी है, और जिस भी लोकेशन पे तुम्हें जाना चाहते हो, लाइक मुंबई, बेंगलोर और हैदराबाद दी गई है, तो तुम क्या करो, तुम्हारे रेज्यूमे में लोकेशन पे क्या होगा, तुम्हारा एड्रेस होगा घर का, उसको हटा दो, वो काम नहीं आएगा शॉर्ट लिस्टिंग में, उसको हटा के इन तीनों में से जहां भी तुम्हें जाना है उसका एड्रेस डाल दो। तुम शॉर्ट में लिख दो हैदराबाद TG, ये पूरा दिया हुआ है ना, ये दे दो, ठीक है, और ये हाईटेक सिटी हैदराबाद का, वहां का ये नेम दे दो। तो इतना काम कर दो तुम, और रेज्यूमे को अपडेट करके फिर अप्लाई पे हिट करो और अप्लाई कर लो। नेक्स्ट बहुत बड़ी हायरिंग आ रही है UBS की तरफ से, जूनियर अर्ली प्रोग्राम निकाला गया है, टैलेंट प्रोग्राम है, जो कि टोटली फ्रेशर है, पुणे लोकेशन है, और यहाँ पर अगर तुम देखोगे ना तो तुम GCRG की टीम के साथ काम करोगे। यूट्यूब पे देखोगे तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या है, नॉर्मल है, बस यहाँ पे इतना जान लो फ्रेशर क्वालिफाइड कैंडिडेट्स एलिजिबल है। तो जितने फ्रेशर हैं सारे जाओ, और UBS की तरफ से तुम्हें देखो 25-26 की ऐसी ऑफिशियली मास हायरिंग नहीं देखने मिलेगी। तो तुम्हें क्या करना है, फ्रेशर हो, 25 बैच वाले भी फ्रेशर हैं, एक्सपीरियंस है नहीं उनके पास, तो तुम भी जाओ अप्लाई करो, 25 बैच वाले भी अप्लाई करो एक बार, और ज्यादा है तो भाई UBS की तरफ से रेफरल ले लो, जो कि मिल जाएगा तुम्हें। और मैं बता दूं, UBS एक ऐसी कंपनी है जिसके पैकेज बहुत हाई होते हैं, तो जूनियर टैलेंट प्रोग्राम में अगर तुम्हें 7 से 8 लाख भी दे रहे हैं ना ये लोग, तो मैं इसको नॉर्मली समझूंगा, क्योंकि इससे ज्यादा देती है वो, ठीक है। तो अप्लाई करो इसके लिए, फ्रेशर की हायरिंग होने वाली है, लेकिन इसमें फ्रेशर मांगे हुए हैं। तो रोल वगैरह देखो, थोड़ी चीज़ें रीड कर लो यहाँ पे, और इनको क्या चाहिए वो सब तुम रीड कर लो, थोड़ी ऐसी चीज़ें लिखी है ना कि तुम्हें नहीं पता होगी, जो होगी बहुत ईजी है, ठीक है। अब कोडिंग से तो ईजी ही होगी ना, कोडिंग टफ है कि ये सब चीज़ें टफ है जो मैंने तुम्हें नेक्स्ट में बताई है, लाइक डेटा वेल में बताई है ये, और इनमें से कोडिंग से तो ईजी है। तो तुम्हें सिर्फ रेज्यूमे में ऐड करना है, जो समझ नहीं आ रहा है वो क्या करना है, ऐसे देखो इसको उठाओ, कॉपी करो डीप सीक में, ChatGPT पे पेस्ट करने से पहले उनको दो कि भाई ये चीज़ बताओ कि क्या काम होने वाला है जॉब में, मुझे ये सब नहीं आता, मुझे ऐसे इजी वे में समझाओ कि क्या काम होने वाला है, मैं IT वाला हूँ तो मेरे हिसाब से ये इजी रहेगा कि टफ है, ऐसा कुछ लिखो। तो वो तुम्हें खुद ना पूरी डिटेल दे देगा इसके बारे में, सिर्फ एक शॉर्ट समरी लिखवाओ उससे कि भाई टू द पॉइंट बात करना, तो वो तुम्हें पूरा दे देगा, बहुत इजी चीज होने वाली है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करके अप्लाई करो, पुणे लोकेशन होने वाली है, रेफरल ले सकते हो तो ले लो, वरना फ्रेशर को तो इन लोगों ने ओपनली किया ही है कि भाई अप्लाई करो, तो मैनुअली भी करोगे तो तुम्हें देखने मिल सकता है नेक्स्ट मेल।
तो अप्लाई करो इसके लिए। नेक्स्ट हायरिंग देखोगे माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। आप देखो माइक्रोसॉफ्ट डेटा साइंस के लिए हायरिंग कर रही है, इंटर्नशिप सेकंड ईयर स्टूडेंट मांगे हुए हैं, मतलब 27 बैच एलिजिबल। इसके लिए करेंटली परसुइंग बैचलर डिग्री डेटा साइंस मैथमेटिक्स कंप्यूटर साइंस स्टैटिक्स मांगे हुए हैं। 1 लाख पर मंथ होने वाला है इसका स्टाइपेंड। तो काफी सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं, इसके लिए अप्लाई करो, तुरंत अप्लाई करो। रेफरल लेने की नीड नहीं है इसमें, चाहो तो ले लो यार रेफरल, क्योंकि जॉब नंबर दिया है, इंटर्नशिप है। देखो रेफरल ले लोगे ना तो हाई चांसेस है तुम्हें कि शॉर्टलिस्ट हो जाए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज रीड करो और ऐड करो रेज्यूमे में, अप्लाई करो। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ IBM के मेल। यहाँ पर अगर तुम देखोगे ये है दूसरे कैंडिडेट का मेल, यहाँ पर देखोगे और भी है, यहाँ पे काफी सारे मेल लोगों को रिसीव हुए। ये CIC ऑफ कैंपस है, 2024 बैच की मास हायरिंग है, ठीक है, मेन चीज समझ लो। नहीं किया तो हमने अप्लाई तो कुछ नहीं कर सकते। तो मैं मेल का ना पूरा सिस्टम समझा रहा हूँ। यहाँ पे नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी वेन्यू होने वाला है ग्रेटर नोएडा में। 19 से 20 तारीख का टाइमिंग दिया है, 8:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम है सुबह का। ऑल स्टेजेस आर एलिमिनेशन राउंड। कोडिंग असेसमेंट है, ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम है जो कि वो भी फिजिकल होने वाला है, और फिर यहाँ पे इंटरव्यू का मेल है। तो इंटरव्यू का मेल आया काफी लोगों को। यहाँ पर देखेंगे कि तुम्हें यहाँ पे ना पोर्टल पे जाके अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, और भी चीजें दिखाता हूँ मैं तुम्हें, पूरा रीड करके ही दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो अपना लैपटॉप, हेडफोन, माइक्रोफोन सब लेके जाना है, ठीक है। हार्ड कॉपी ओरिजिनल होनी चाहिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड सब होना चाहिए। मेन चीज ये है कि कैंडिडेट इन्वॉल्वड इन एनी काइंड ऑफ मेल प्रैक्टिस वो तो बाहर हो जाएगा, वो तो ठीक है। तो यहाँ पे पैन एंड कार्ड सब लेके जाना है तुम्हें, और यहाँ पे देख लो लिस्ट क्या होने वाली है डॉक्यूमेंट्स की। रेज्यूम होगा, पासपोर्ट साइज फोटो होगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी में से कोई एक चल जाएगा, 10, 12 और जितनी भी ग्रेजुएशन की मार्कशीट है सारी ओरिजिनल लेके जानी होगी, और वर्क एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट फ्रॉम योर ऑर्गेनाइजेशन। और हाँ ये तो ठीक है, अगर तुम एक्सपीरियंस वाले हो, पास्ट कंपनी है, तो ऑफर लेटर, इंक्रीमेंट लेटर, रिलीविंग लेटर और सर्विस लेटर तुम्हारे पास होना चाहिए। तो अब सिस्टम ऐसा है कि भाई काफी लोगों का इंटरव्यू है, ठीक है, काफी लोगों का इंटरव्यू है, काफी लोगों का ऑनलाइन असेसमेंट भी हो सकता है। वैसे भी 3 स्टेज है, पहला कोडिंग राउंड निकाल लोगे ना तो रिटर्न असेसमेंट होगा जिसमें FT वगैरह देखने मिल जाएगा, और जो वो भी निकाल लेगा उसको इंटरव्यू देखने मिलेगा जो कि फिजिकल इवेंट ऑफलाइन होने वाला है। तो वो निकाल लोगे तो काफी सही होने वाला है तुम्हारे लिए। पहले तो अपना डॉक्यूमेंट इसमें पोर्टल पे जाके अपलोड करना होगा, और इसमें यही है कि भाई स्कैन एंड अपलोड योर डॉक्यूमेंट इन अ सिंगल PDF फाइल ओनली, ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी जब तुम जाओगे तो वो तो तुम्हें क्या क्या कैरी करके ले जाना है वो मैंने तुम्हें बता ही दिया है, यहाँ पे देख लो। तुम्हें तो मेल आया होगा, और जैसे नहीं आया है मेल तो अभी क्या ही कर सकते हैं, तुम एक बार देखो अप्लाई किया है तुम्हारा असेसमेंट निकला है कि नहीं, क्योंकि ऑफलाइन होने वाली चीज़ें। तो CIC ऑफ कैंपस रिक्रूटमेंट प्रोसेस बैच 2024 की हायरिंग हो रही है, बड़ी और मास हायरिंग है। तो मेन चीज समझ लो कि यहाँ पर एक बार देख लो तुम कि होने क्या वाला है। पहला कोडिंग असेसमेंट स्टेप बाय स्टेप समझो, और सारे राउंड एलिमिनेशन राउंड है, ऑनलाइन रिटर्न असेसमेंट भी, कोडिंग असेसमेंट भी, और तुम्हारा इंटरव्यू तो खैर हो गई एलिमिनेशन राउंड। तो इसमें जिसका इंटरव्यू है ना तुम्हें सिर्फ बेसिक कोडिंग आनी चाहिए, ठीक है, एरे के क्वेश्चन थोड़े बहुत कर लो। देखो सबसे मोस्ट आस्क क्या होते हैं, अब वो तुमसे कोई नया बना के नहीं पूछेगा, वो तुमसे कह देगा भाई डुप्लीकेट एरे निकाल दो, ठीक है, और एरे और स्ट्रिंग में कुछ क्वेश्चन बोलेगा। जो मोस्ट आस्क होते हैं सिर्फ वही करना है तुम्हें, लिंक लिस्ट में क्या ही पूछेगा। लिंक लिस्ट में बोलेगा भाई रो में एंटर कर दो एक नंबर, या उसमें से डुप्लीकेट निकाल दो, या लास्ट में कोई ऐड कर दो नंबर, या मिड में ऐड कर दो, यही है और कुछ भी नहीं है उसमें। तो ये अगर तुमने कर लिया तो तुम्हारा आराम से काम बन जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी 2024 बैच की बच्चों की सिलेक्शन तक हो गई है, और 3 से 4 महीना तक हो चुका है ऑफर लेटर गया, इनकी ज्वाइनिंग भी हो गई, 3 से 4 महीना हो गया काम करते करते, 24 बैच की बात कर रहा हूँ। और प्रोसेस सेम यही थी, क्या थी प्रोसेस, कोडिंग असेसमेंट था, यहाँ तक कि GD राउंड भी था जो कि फिजिकल था, इस बार नहीं है, वो अलग बात है कि काफी सही है। फिर उसके बाद इनका इंटरव्यू हुआ था, फिर ASE का रोल इनको मिल गया था, और ज्वाइनिंग हो गई है जो कि अभी 1-2 महीने ही पहले हुई है ज्वाइनिंग। तो ये अच्छा है कि भाई तुम्हें GD राउंड देने नहीं मिल रहा है, ठीक है, वो सब भी फिजिकल था, ये भी फिजिकल है, मतलब ऑफर लेटर आ गया है, ज्वाइनिंग भी हो गई है। तो तुम वेट मत करो, अप्लाई करो इसके लिए, और ये 3 के लिए तो करना ही करना है, ठीक है, मेन चीज समझ लिए तुम, क्योंकि इनका जो पैकेज है तुम्हारे IBM से ज्यादा ही है, ठीक है, और कंपनी भी IBM से ज्यादा बड़ी है, UBS भी बड़ी है, माइक्रोसॉफ्ट है। तो अप्लाई करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।